माँ के क्रोध को शांत करने का कोई उपाय करना होगा मुझे। जगदम्बे जगजननी सिंह आरुढ़ा, जय माँ जय जय माँ उमा स्वरूपा, संकट घड़ी सदा आप ही काले, जग जननी जग को संकट में न डाले, महिषासुर वध था कात्यायनी लक्ष्य, शांत हो मा हुआ पूर्ण उद्देश्य, क्रोध तजो माता शस्त्र रखो सब, ममता मई मूल रूप धरो अब, विनती सुनो माता छोड़ो आवेशा, कर बद्ध करता निवेदन गणेशा, जगदम्बे जग जननी सिंह आरुढ़ा, जय माँ जय जय माँ उमा स्वरूपा। आप हमें छोड़कर चली गई थी माँ, तो मैं बहुत अकेला पड़ गया था। पुत्र, तुम्हें अनुमान भी नहीं, तुमसे दूर रहना और तुम्हें अपने से दूर भेजना मेरे लिए कितना कठिन था, कितना कठोर करना पड़ा था मुझे अपने हृदय को। जब मेरे बालक का रूप में तुम मुझसे भेंट करने आए थे, मैं तो कब से इस पल की प्रतीक्षा कर रहा हूँ माँ, कि कब आपका उद्देश्य पूर्ण हो और कब आप पुनः हमारे पास लौट आए। देखिए ना माँ, वो समय आ ही गया, आप पुनः अपने मूल रूप में आ गई। माँ, 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 प्रथम देवा श्री गणेश जय विघ्न हरता, श्री गणेश जय गणेश जय गणेश। अब आप मुझे छोड़कर कहीं मत जाइएगा माँ। लौट आई मेरी माँ, मेरी माँ लौट आई। अब सब उचित है, माँ ने देवी कात्यायनी के अवतार का प्रयोजन पूर्ण किया, पिताश्री भी यही हैं। अब हमारा परिवार पुनः एक साथ होगा, हम सब पुनः सुखी होंगे। आपको ज्ञात है माँ, एकमात्र मैं ही आपकी प्रतीक्षा नहीं कर रहा था, पिताश्री भी पल पल आप ही का स्मरण करते रहते थे। आप स्वयं भी तो कुछ कहिए पिताश्री, बताइए ना माँ को कि आप भी उनसे वियोग नहीं सह पा रहे थे। महादेव, आइए ना पिताश्री, आइए। उमा, मैं पुत्र, टल गया धर्म का महासंकट, सुरक्षित हुई धर्म की स्थापना,
मेरे इस अवतार का उद्देश्य पूर्ण हुआ, अर्थात अब सब कुशल। पिताश्री से माँ ने मुख मोड़ लिया। पुत्र गणेश, सब कुशल है ना? बताओ मुझे, उचित है ना सब? तन से उसका स्वास्थ्य विलग हो जाए तो वो जीवन शून्य हो जाता है माँ। कैलाश भी आपके बिना शून्य है, सब कुशल कहाँ है माँ? आपके कैलाश में रहने से ही हम सब कुशल हैं। पुत्र, मैं भी ऐसा ही सोचती थी, किंतु मिथ्या है ये। तुम्हारे पिताश्री से अभिन्न उनकी शक्ति, किंतु मेरा ये भ्रम टूट चुका। मिथ्या है ये, भ्रम है, कैसे माँ? हाँ पुत्र, महादेव ने मुझे कैलाश से दूर भेजा तो क्या हुआ, उनकी शक्ति उनसे विलग हुई, किंतु सृष्टि तो अपने लय पर स्थिर रही ना। प्रभाव तो मुझ पर पड़ा है, कैलाश से दूर अपनी अस्थिरता के क्षणों में तुमने ही आकर मुझे स्थिर रहने का धीरज बंधाया। माँ, मैं वचन देता हूँ, इस कमल पुष्प के मुरझाने के पूर्व ही मैं पिताश्री को लेकर यहाँ आपके पास लौटाऊंगा। किंतु कैलाश निवासियों का क्या? मैं यहाँ रहूं अथवा नहीं, उन्हें उससे क्या? नहीं माँ, ऐसा नहीं है। पिताश्री, कदाचित माँ आपके ही मुख से सुनना चाहती हैं कि कैलाश की ऊर्जा उनसे ही है। उमा, ज्ञात है मुझे मुझसे क्रोधित हो तुम। क्रोध? और मैं? एक दोषी को इतना अधिकार कहाँ है महादेव? मैं तो मात्र अपने दोष का दंड भुगतने योग्य हूँ। उमा, क्रोध में व्यक्ति के भीतर ऐसे ही विचार उत्पन्न होते हैं। एक बड़ी भूल की थी तुमने, जिसका सर्वनाशी परिणाम था अंधकारी अंधकासुर का जन्म। महाशक्ति हो तुम, जगत जननी हो तुम, सत्य है। तुमने अपनी भूल का प्रायश्चित किया है, किंतु क्रोध मर्यादा का उल्लंघन करवाता है। किंतु भूल स्वीकार कर उसे सुधारने वाला महान कहलवाता है। मैंने भी तुम्हारे बिना हर पल हर क्षण उतनी ही पीड़ा सहन की है। अब हमें वो सब कुछ भूलकर भविष्य की ओर बढ़ना चाहिए। हाँ माँ, यही उचित रहेगा। उचित है महादेव, किंतु मेरे मन में एक प्रश्न घुमड़ रहा है। जगत पिता क्या मर्यादा से परे है? आप अपनी भूल कब स्वीकारेंगे महादेव? कब स्वीकारेंगे महादेव? माँ, ये क्या कह रही हैं आप? पिताश्री की किस भूल की बात कर रही हैं? बताइए महादेव, आपका पुत्र आपसे कुछ पूछ रहा है, उत्तर दीजिए। शांत करिए उसकी जिज्ञासा को। बताइए उसे कि आज यहाँ जो विनाश हुआ है, कौन है उसका कारण? महिषासुर। वो महिषासुर जो आपके वरदान के फल स्वरूप जन्मा था। तुम्हारा पुत्र अति शक्तिशाली होगा। यदि तुम्हारा पुत्र प्रयास करेगा तो अपने लिए अमृत तुल्य वरदान प्राप्त कर सकेगा। अंत कसुर मेरी भूल का परिणाम है, पर महिषासुर प्रभु? देवी पार्वती, ब्रह्मदेव, भूल दोष परिणाम विनाश मर्यादा, इन सभी की बातें आज हो जाने दीजिए। भूल नहीं उमा,
वरदान का परिणाम था महिषासुर। महिषासुर के पिता रंप का उद्देश्य तो आपको ज्ञात था, फिर वो इस वरदान का अधिकारी कैसे बना? अंत का सुर भविष्य अंधकारमयी बना सकता है, किंतु महिषासुर ने जो किया उसका उत्तरदायित्व कौन उठाएगा? यदि आज उसे यहाँ नहीं रोका जाता तो वो सर्वनाश का कारण भी बन सकता था महादेव। एक भूल के लिए दंड और प्राश्चित, और दूसरे के लिए क्षमा। तो क्या अब आप भी कैलाश का त्याग करेंगे महादेव? माँ, चिंतित मत हो पुत्र, मैं ऐसा कदापि होने नहीं दूंगी। स्वामी, आपको कैलाश को छोड़कर जाने की या अपनी भूल का प्रायश्चित करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैं स्वयं कैलाश से दूर जाकर आपकी भी भूल का प्रायश्चित करूंगी। उमा, उमा, उमा। नहीं माँ, अब आपसे हम दूर नहीं रह सकेंगे। पुत्र, मुझे कठोर होकर यहाँ से दूर जाना ही होगा। नहीं माँ, ऐसा मत कीजिए माँ, रुक जाइए माँ। पिताश्री, फूफा जी, फूफा जी, फूफा जी, रोकिए ना माँ को। मामा जी, मामा जी, मामा जी, रोक लीजिए ना माँ को। ये तुम्हारा कैसा हट है उमा? मैं तो तुम्हारा साथ पाना चाहता था, किंतु तुम्हें नहीं लौटना चाहती। दर्शन दीजिए महादेव, दर्शन दीजिए महादेव। दर्शन दीजिए महादेव, महादेव जी दर्शन दीजिए, दर्शन दीजिए महादेव, महादेव दर्शन दीजिए। पिताश्री, कुछ कीजिए ना पिताश्री, माँ को लौटा लीजिए। तुम्हारी माँ अपना निर्णय ले चुकी है पुत्र, अब हमें भी अपने कर्तव्य के निर्वहन के लिए अपने निवास लौटना होगा। पिताश्री, पुत्र। मामा जी, ये सब कैसे हो गया? माँ और पिताश्री दोनों चले गए। तुम्हारे पिताश्री एक भक्त को दर्शन देने गए हैं, क्योंकि दुख में भी कर्तव्यों को नहीं भूला जा सकता। और तुम्हारी माता? मामा जी, माँ क्यों चली गई? क्यों हो रहा है ये सब? कुछ भी अकारण नहीं है गणेश, इसके पीछे भी कोई बड़ा उद्देश्य है। किंतु ये सत्य है कि महादेव और शक्ति एक दूसरे के बिना अधूरे हैं, और ये भी सत्य है कि हम सभी उन दोनों के बिना अधूरे हैं। इस कठिन परिस्थिति में तुम्हें अपने माता पिता दोनों का ध्यान रखना होगा। मुझे ज्ञात है
कि पिताश्री बहुत दुखी हैं, किंतु इस निर्णय से तो माँ को भी अपार दुख हुआ होगा। जगत पिता क्या मर्यादा से परे हैं? आप अपनी भूल कब स्वीकारेंगे महादेव? मैंने भी तुम्हारे बिना हर पल हर क्षण उतनी ही पीड़ा सहन की है। अंत का सुर भविष्य अंधकारमयी बना सकता है, किंतु महिषासुर ने जो किया उसका उत्तरदायित्व कौन उठाएगा? तो क्या अब आप भी कैलाश का त्याग करेंगे महादेव? ये क्या कर बैठी मैं? नदी की धारा तक को धुतकार थे, वृक्ष में जीवन संचार करने वाली उसकी जड़ ही उसका आहत करते। स्वामी, आप तो मेरे सर्वस्व हैं, आपसे दूर मैं कैसे रहूंगी? स्वामी, स्वामी, स्वामी! महादेव जी दर्शन दीजिए, दर्शन दीजिए महादेव, दर्शन दीजिए महादेव। महादेव, स्वीकार कीजिए मेरी विनती प्रभु, मुझे असुर गुरु पद से मुक्त होने की अनुमति दीजिए, अन्यथा मैं अभी इसी क्षण इस जल से संकल्प कर इस पद का परित्याग करना चाहता हूं। शुक्राचार्य, माँ, माँ, माँ। पार्वती के मन में उमड़ी ममता, माँ की गोद में आए विघ्न हरता। पार्वती के मन में उमड़ी ममता, गोद में आए विघ्न हरता। शुक्राचार्य, असुर गुरु के पद पर मैंने तुम्हें स्थापित किया था, तुम उससे विचार किए बिना उस पद का परित्याग करने का निर्णय कैसे लिया तुमने? विचार कैसा प्रभु, स्थिति स्पष्ट है, देवताओं को अमृत प्राप्त है, मेरे असुरों को क्या, वो तो कभी भी विजय का मुख नहीं देख पाएंगे। तो क्या लाभ है असुर गुरु होने का, जब उनकी मैं कोई सहायता ही नहीं कर सकता? उन्हें पराजित होते देखना ही मेरी नियति है। किंतु किसी भी परिस्थिति में पद का परित्याग करना कायरता है भृगुपुत्र। हाँ प्रभु, किंतु पद पर रहकर उसका दायित्व नहीं निभा पाना तो और भी पीड़ादायक होता है ना, इसलिए असुरों के साथ न्याय कर उन्हें भी अमृत प्रदान कीजिए, अन्यथा आप मुझे इस पद से मुक्त कीजिए प्रभु। शुक्राचार्य, मैं तुम्हें अमृत तो नहीं दे सकता। उचित है प्रभु, किंतु किसी के साथ अन्याय भी नहीं होने दे सकता। महादेव, असुरों और देवताओं के मध्य न्याय और अन्याय का भेद जिस उपाय से मिट सकता है आप अस्वीकार कर चुके हैं। मैं असुरों को अमृत नहीं दे सकता, किंतु देवताओं के साथ युद्ध करने के लिए अमृत तुल्य विद्या मृत संजीवनी प्रदान कर सकता हूं। ये क्या अनर्थ कर दिया महादेव ने? इस विद्या से तुम मृत असुरों को पुनः जीवित कर सकोगे। मैं धन्य हुआ भोलेनाथ, समस्त दैत्य असुर राक्षस कृतार्थ होंगे आपके इस न्याय से। किंतु स्मरण रहे शुक्राचार्य, मृत संजीवनी विद्या का उपयोग मात्र धर्म और न्याय के लिए ही होना चाहिए। आप और पिताश्री तो एक दूसरे से पूर्ण होते हैं माँ, तो एक दूसरे से विलग होकर कैसे रह सकते हैं? चलिए माँ, लौट चलिए कैलाश। पुत्र, खड़क का प्रहार सहा जा सकता है, किंतु अपनों के तीक्ष्ण शब्दों की धार
किसी भी खड़क से कहीं गहरा घाव करती है। जो तीक्ष्ण शब्दों का प्रहार मैंने तुम्हारे पिताश्री पर किया है, वही अनेकों गुना होकर मुझे सता रहे हैं। अब जो करना है मुझे ही करना होगा, इसीलिए तुम जाओ पुत्र। तुम्हारे पिताश्री को तुम्हारी आवश्यकता है, तुम जाओ पुत्र। माँ मत जाइए, माँ माँ रुक जाइए, माँ मत जाइए, माँ रुक जाइए, माँ रुक जाइए, माँ रुक जाइए। देवताओं को पराजित करने का यही उचित समय है जब अपनी शक्ति से वंचित है महादेव, और मृत संजीवनी विद्या की शक्ति है मेरे पास, किंतु एक योग्य अर्थात प्रचंड असुर ही सिद्ध कर सकता है मेरा मनोरथ। वो बलशाली असुर योद्धा कौन है? अंधकासुर। वो असुर जो अकेला ही देवताओं को पराजित कर सके। व्यक्ति को परिस्थितियों का दास नहीं बनना चाहिए, अभी तो परिस्थितियों को अपना दास बनाना चाहिए, साथ ही धैर्य और विवेक से काम लेना चाहिए। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।